Hey guys, welcome back once again. मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. मैं हूँ संवेदना और आज की वीडियो होने वाली अनबॉक्सिंग वीडियो. तो एक साड़ी मैंने ऑर्डर की है इंस्टाग्राम स्टोर से एंड ऑलरेडी मैंने इस इंस्टाग्राम स्टोर से बहुत सारी आइटम शेयर की हुई है लाइक लहंगा साड़ी गाउन बहुत सारी आइटम. तो बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा चलो थोड़ा कुछ चेंज किया जाए मीशो आजियो मिंत्रा एंड अब इंस्टाग्राम से ट्राई करते हैं क्योंकि ये इंस्टाग्राम काफ़ी ट्रस्टेड है. मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे कलेक्शन इनके लगे, पसंद भी आए हैं. उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है फेसबुक. अब फेसबुक पे वो लाइव आते हैं एंड वहाँ पे आप जाकर उनकी कलेक्शन देख सकते हो अगर ऑलरेडी आप फेसबुक पे हो. तो व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसकी नंबर भी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मैं मेंशन कर दूंगी. सो दैट अगर आपको आज की साड़ी पसंद आती है या इनकी कलेक्शन चेकआउट करना चाहो डेफिनेटली आप उनके फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन उन्होंने शेयर किए हुए हैं पर लाइव सेशन में ज़्यादा क्लियर हो जाता है. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप उनका लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करो एंड देखना कैसे कलेक्शन लगे. मैंने लहंगा 2 से 3 लहंगा मैंने बाय किया था ऑलरेडी मैंने शेयर किया. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो. प्राइस काफ़ी बहुत रिजनेबल नहीं है, बहुत हाई नहीं है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा. तो चलिए अनबॉक्स करते हैं. एंड ये जो साड़ी मैंने परचेस की है ये ऑलरेडी काफ़ी नोन इन्फ्लुएंसर हैं कोमल सोनी, उन्होंने स्टाइल किया है रेड कलर की साड़ी, मुझे अच्छी लगी. पर आज की वीडियो में आपको संवेदना स्टाइल मिलने वाला है. मीन्स मैं आपको 2 तरीके से डिफरेंट वे में स्टाइल करके ये साड़ी दिखाऊंगी. आप चाहो तो अपनी 30 के लिए ये साड़ी बाय कर सकते हो. 30 के अकॉर्डिंग काफ़ी मतलब फीलिंग 30 वाली ही आ रही थी ये साड़ी देखने के बाद. ये साड़ी जो है मैं आपको प्रॉपर 30 लुक आने वाली 30 है उस अकॉर्डिंग लुक भी आपके साथ शेयर करूंगी. एंड हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब हेवी साड़ियाँ लेते हैं तो हमारे पास पड़ी रह जाती है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उससे डिफरेंट वे में किस तरह से स्टाइल करें. तो मैं कोशिश करूंगी कि इस साड़ी को 2 से 3 डिफरेंट वे में आपके साथ स्टाइल करके शेयर करूं सो दैट अगर आप बाय करो तो एक ही तरीके से नहीं मल्टीपल तरीके से आप एक साड़ी को स्टाइल कर पाओ. तो चलिए अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं क्वालिटी कैसी रिसीव हुई है. ऑलरेडी तारीफ तो मैं ज़्यादा करती, अब एक्चुअली पैकेट खोल के देखते हैं. इस तरह से सील पैकेट में मुझे रिसीव पैकेट में रिसीव होता है लाइक मिसो उसी तरह की पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है. काफ़ी हेवी है तो लेट्स अनबॉक्स फर्स्ट फिर देखते हैं. काफ़ी हेवी है, वर्क जो है इसमें ज़्यादातर धागे का जो जड़ी वाला वर्क होता है सितारी वाला वर्क एंड इसकी फैब्रिक काफी शाइनी है. फैब्रिक तो अच्छी है, वर्क भी काफी बहुत हेवी नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, सटल वर्क मुझे लगा. यहाँ पे जरी की पूरी धागे की वर्क दिख रही है एंड यहाँ पे सितारा जरी एंड पिंक कलर का फ्लावर बना हुआ है. तो इसमें पिंक कलर भी आसानी से चले जाएंगे. आई थिंक इसके अंदर पिंक कलर की ब्लाउज होनी चाहिए जैसा कोमल सोनी ने वेयर किया हुआ था. आई थिंक मैं यहाँ पे साइड में क्लिप ऐड कर दूंगी. कोमल सोनी ने वेयर किया हुआ है, स्टाइल किया हुआ है एंड मैं कैसे स्टाइल करने वाली हूँ वो आगे आपको देखने को मिलेगा. इस तरह से आपको पूरी बॉर्डर मिल जाती है आपके आंचल के साइड में एंड इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है तो मैं साइड में मेंशन कर दूंगी कितनी प्राइस है. एंड अपर साइड में कोई बॉर्डर नहीं है, नीचे साइड में आपको इस तरह से सेम बॉर्डर मिल जाएगा. तो पूरी साड़ी ये पिंक कलर है, मुझे लगा रेड कलर है, पिंक एंड बेबी पिंक. तो ये साड़ी है एंड इसका हेवी सा ब्लाउज है. अच्छा ब्लाउज में वर्क मिल जा रहा है अगर आप स्टिच करवाओगे तो मतलब कंट्रास्ट में मुझे लगता है बहुत ही सुंदर लगेगा. देख सकते हो इस तरह से पूरा जरी का वर्क है, सितारे का वर्क है, काफ़ी हेवी एंड आई थिंक इसमें कॉलर काइंड ऑफ डिजाइन दिया हुआ था. तो ये रही साड़ी
अब चलते हैं ट्राई ऑन की तरफ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से स्टाइल किया इस साड़ी को। प्लीज हैव अ लुक। दिस इज़ द फर्स्ट लुक। ये लुक प्रॉपर तीज को ध्यान में रखकर मैंने क्रिएट किया है। एज ए इंडियन वी ऑल ड्रेस अप एज ए न्यू ब्राइड, सो मैंने न्यू ब्राइड वाली ग्लो एंड कम्फर्ट दोनों को बैलेंस वे में ये लुक क्रिएट किया है। सो एज ऑल वी नो एंड इंडियन ट्रेडिशन में सीधा पल्ला साड़ी मोस्टली वेयर की जाती है। सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस लुक इन सीधा पल्ला एंड एडेड अ चोकर फर्स्ट, पर उतना हेवी लुक नहीं आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा रॉयल लुक देते हैं एंड ऐड करते हैं पर्ल नेकलेस, जो अगेन ऐड करने के बाद बहुत ही रॉयल लुक देने लगा। एंड देन मैंने बिग झुमका वेयर किया जो और भी अच्छे से बैलेंस कर रहा था पूरे लुक को, थोड़ा हेवी लुक बना रहा था। एंड मैंने पिंक एंड ऑरेंज बैंगल को मिक्स मैच करके एक सेट बनाया जो साड़ी एंड ब्लाउज को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि साड़ी की ब्लाउज में बहुत हेवी वर्क था। सो आई डिसाइडेड टू पेयर अप दिस साड़ी विथ सॉलिड कलर सिंपल ब्लाउज, एंड क्योंकि ज्वेलरी एंड बैंगल बहुत ही हेवी लुक दे रहे थे सो ब्लाउज उतनी हाईलाइट नहीं हो पाती। सो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की सिंपल ब्लाउज वेयर की एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ऑरेंज एंड रेड चुनरी प्रिंट वाली ओढ़ना एक साइड में वेयर की है, जिसे अगेन पर्ल एंड शोल्डर में बहुत सुंदर से कान्हा जी बने हुए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सो लुक तो बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया, पर मुझे लगा कहीं ना कहीं कम्फर्ट मिस कर रहा था। सो मैंने फिर गोल्डन कलर की बेल्ट ऐड की, जिससे अगेन दोनों ओढ़ना एंड चुनरी जो हमारा पल्ला है वो बहुत ही अच्छे से क्लिप हो गया एंड एक जगह स्टिक हो गया। सो पूजा का जो भी प्रोसेस होता है उस समय हम फ्री होके उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, साड़ी अपनी जगह पे रहेगी, पिन एंड जो भी पूरा बैलेंस लुक क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो कितना कंफर्टेबल फील हो रहा था, मीन्स मुझे लगा कि ऐसे इस तरह की साड़ी वेयर करने के बाद घंटों हम आराम से स्टैंड आउट कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। एंड क्योंकि ज्वेलरी मैंने बहुत हेवी पहनी थी तो मैंने सोचा अच्छे से बैलेंस किया जाए, सो मैंने जूड़ा बनाया एंड मिसो से मैंने गजरा बाय किया था, उसे अच्छे से वेयर किया है। तो साड़ी की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी एंड तीज लुक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो हेवी साड़ी है वार्डरोब में पड़ी रह जाती है या हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस तरह से उसे रीस्टाइल करें, थोड़ा डिफरेंट लुक कैसे क्रिएट करें। क्योंकि फर्स्ट लुक में मैंने सेम साड़ी को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ओकेजन के अकॉर्डिंग हेवी लुक दिया था, तो इसलिए मैंने इस लुक में बहुत ही सिंपल एंड क्लासी रखने की कोशिश की है। सो आई डिसाइडेड टू ऐड मिनिमल ज्वेलरी एंड सिंगल बैंगल डाला है। आप चाहो तो एक हाथ में वॉच एंड एक हाथ में बैंगल डाल सकते हो, मेरी मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। एंड साथ में स्टर्ड वेयर किया है बिग साइज का, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा राउंड है एंड थोड़ा सा लॉन्ग, इसलिए मैंने ओपन हेयर रखा है। एंड साथ में मैंने बहुत ही मिनिमम ज्वेलरी को ऐड किया है, सो इस पूरी साड़ी का जो हेवी लुक है उस काफ़ी सटल दिखे। एंड सो फर्स्ट लुक की हारमोनी को ब्रेक करना था, सो आई डिसाइडेड टू लुक ग्लैम विथ एलिगेंस। सो मैंने इस साड़ी के साथ क्रॉप टॉप को पेयर करने का सोचा एंड आई फील कि ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली क्रॉप टॉप बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। एंड इफ़ यू आर समवन जो कंफर्टेबल नहीं है इस टाइप की क्रॉप टॉप पेयर करने में, सो आप पेयर कर सकते हो सिल्क लाइट एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज के साथ। एंड सच बताऊँ ये बाय लक ये क्रॉप टॉप की वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड साड़ी की वर्क बहुत अच्छे से मिक्स मैच हो रही थी एंड बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों लुक कैसी लगी। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ अगर ये लुक क्रिएट करो तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, सो दैट मैं अपनी स्टोरीज़ में आपको मेंशन करूँगी। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर गाइज़।